बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपको भी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। आज से ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का होगा। बशी, नायला आपकी बेटी है, जब जी चाहे बारात ले आए और ले जाए इसे। भाई, हमें तो बहुत जल्दी शादी करनी है, आप लोग बताएं कि आपकी क्या तैयारी है। जो अल्लाह ताला ने मेरी बेटी के नसीब से दिया है वो ही अपने साथ ले जाएगी। जी, और सबसे बड़ी दौलत तो जी माँ बाप की दुआएं होती हैं, उसमें हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे इंशाल्लाह जी। बुरा नहीं मनाइएगा, बेटी की शादी बातों से नहीं होती, लाखों रुपए खर्च होते हैं। देखे ना, इंसान चाहे कर्ज ले ले या किसी से मांग ले, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि बेटी की रुखसती बड़ी शान शौकत से की जाए। हमारा मतलब है कि हमारे बेटे की इज्जत में आप कोई कमी नहीं रहने देंगे। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी में दिखावा मत करें। अजीजों, रिश्तेदारों और मेरे ससुराल वालों के सामने अपनी नाक ऊंची करने के लिए कर्ज के बोझ तले नाप दब जाए, ये मतलब नहीं है हमारा। मैं आप लोगों पर बोझ बने बगैर इस घर से सादगी से जाना चाहती हूँ। ऐसे ही होगा मेरे बेटा, ऐसे ही होगा। अल्लाह करे ऐसा। अस्सलामुअलैकुम बाबा। अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी, मुझे सऊदी अरब से कॉल आ गई है, जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, और वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं एक महीने के अंदर आ सकता हूँ या नहीं। फौरन हाँ कर दो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो इसकी मंगनी हुई, 6 महीने बाद इसकी शादी, और आप इसे सऊदी अरब भेज रहे हैं। मामा, क्या शादी मेरे बाहर जाने में कोई रुकावट है? और आप क्यों परेशान हो रही है? अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये शादी से पहले बाहर जा रहे हैं। इसमें अच्छा क्या है? अरे भाई देखो, हम ऐसा करेंगे कि इसका निकाह सादगी से कर देंगे, ये निकाह नामा लेके अपने साथ चला जाएगा सऊदी अरब, और वहां जाके कागजात भी बनवा लेगा। और 6 महीने बाद आऊंगा मामा, धूमधाम से शादी करूंगा, और उसके बाद अपनी बीवी को अपने साथ सऊदी अरब ले जाऊंगा। बेगम साहबा, अब आप एक काम कीजिए कि नायला के घर जाएं और उन लोगों को जाके भी ये खुशखबरी सुना दें। अम्मी, अम्मी क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ, अगर ये जॉब की खबर कुछ दिन पहले मिल जाती तुम्हारा रिश्ता और ऊंचे खानदान में हो सकता था। अरे भाई, इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लड़की वालों से कह देंगे कि वो अपना कद जरा और ऊंचा कर लें। भाई, आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। जी, कैसी खुशखबरी? अरे भाई, आपका होने वाला दामाद सऊदी अरब जा रहा है, वहाँ उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस इसी महीने रवाना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी? मेरा मतलब है कि... अरे आप क्यों परेशान हो रही है, वो शादी के लिए छुट्टी लेकर वापस आ जाएगा, और हमने उसके जाने से पहले एक बात तय की है कि हम उन दोनों का निकाह सादगी से कर देते, बाकी सारे अरमान रुखसती पर निकालेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन हमें एक परेशानी भी है। कैसी परेशानी जी? अब आपको क्या बताऊं, दुनिया तो बड़ी लालची है, जब से हमारे अजीज रिश्तेदारों को साजिद के बाहर जाने का पता चला है, तरह तरह की ऑफरें कर रहे हैं। ऑफर? कैसी ऑफर? भाई यही कि साजिद का रिश्ता हमारी बेटी से कर लो, हम जहेज में फ्लैट देंगे,
सलामी में कार देने की बातें हो रही हैं। कोई कुछ लेकिन आप लोगों को इस सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम खानदानी लोग हैं, जबान के बड़े पक्के हैं। हालांकि मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन फिर भी शादी आपकी ही बेटी से होगी। मैंने आपसे कहा था ना, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। शादी ब्याह के मामले में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है नैला। अम्मा, आप इसे ऊंच नीच कह रही हैं? वो लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं बेटा, वो दोनों तुम्हारे होने वाले सास और ससुर है, उनके लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। अगर उनके बेटे को बाहर जॉब मिल गई है तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? बात कसूर की नहीं है बेटा, बात इतनी है कि उनके बेटे का स्टेटस बढ़ गया। हम भी तो फखर से कह सकते हैं ना कि हमारा होने वाला दामाद बाहर मुलाजमत करता है। बेटा, वो रुपया नहीं रियाल कमाता है, ये तो इज्जत वाली बात है। हमसे गलती हो गई, हमें महमूद साहब से खुलकर बात करनी चाहिए थी। अरे भाई, बता तो दिया सब कुछ, वैसे भी अकलमंद को इशारा काफी होता है। अबू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, जो भी बात हो बंदा पहले कर ले, वरना आगे चल के गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ मोटी मोटी बातें एक पर्चे पर लिखकर उनके हवाले करनी चाहिए। मसलन यही कि हक मेहर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, अबू अम्मी ने ठीक कहा। और हाँ, जहेज में कार या फ्लैट तो जरूर देना होगा उन्हें। अम्मी, कार नहीं, फ्लैट। और देखे ना, कार तो घर में खड़े खड़े जंग खा जाएगी। ऐसा करते हैं कि जिस दिन निकाह होगा उसे एक दिन पहले अपनी तमाम शराइत एक पर्चे पर लिख कर मैं उन्हें दे दूंगा। अबू, आप कल उनसे जाके बात कर लें। देखिए, आज मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं नैला बेटी को जींस में फ्लैट दे रहा हूँ। किस इलाके में? फ्लैट किसी पोश इलाके में होना चाहिए, मेरा बेटा किसी गरीब बस्ती में जाकर नहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें जी, हम अच्छे ही इलाके में फ्लैट खरीदेंगे। और वो कार के बारे में आपने क्या सोचा? मेरा मतलब है कि कौन सी कार खरीदने का इरादा किया आपने? देखिए, फ्लैट और कार दोनों चीजें बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। कमाल करती, बेटी को तो जहेज में फ्लैट दे रही और दामाद को सलामी में कार नहीं दे सकते। साजिद को तो ये बात बहुत बुरी लगेगी और हमें भी। जी फिर ठीक है, हम जहेज में फ्लैट नहीं देते, हम सलामी में कार दे देते। इस तरह साजिद को बुरा भी नहीं लगेगा। वो दरअसल हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतनी महंगी चीजें इकट्ठे खरीदें। ठीक है, अगर आपकी मुआशी मजबूरी है तो हम फ्लैट पे ही गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि निकाह के लिए आपके ख्याल में कौन सा दिन अच्छा रहेगा? निकाह ही पढ़वाना है ना, तो मेरे ख्याल में इतवार का दिन सही रहे। फॉर्म तो मैंने भर दिया है, आप आपकी इजाजत तो निकाह पढ़ाना शुरू करो। आमना बेगम, निकाह शुरू किया जाए। जी जी, सौ बिस्मिल्लाह। जी शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। एक मिनट काजी साहब, निकाह से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछिए बेटा। लड़का या लड़की में से कोई एक निकाह से इनकार करते, तो क्या आपका पढ़ाया हुआ निकाह जायज होता? कैसे सवाल कर रही है आपकी बेटी, ये तो दुल्हन है, इसे सर झुका के बैठना चाहिए। कोई बात नहीं, दुल्हन का सवाल पूछने का हक है।
बेटा दोनों फरीकों में से कोई एक भी निकाह से इनकार कर दे तो ये निकाह नहीं होगा, क्योंकि शरीयत ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जाए। काजी साहब, क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि लड़की के माँ बाप को मजबूर किया जाए, कि लड़की को जहेज में फ्लैट, लड़के को सलामी में कार दे? कतई नहीं। इस्लाम में फरमाशी जहेज की मौनियत है। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो लड़की और लड़की के वालिदैन को यह हासिल है कि वह रिश्ते से इनकार कर दे। बेटा तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? पापा मुझे बात करने दीजिए। काजी साहब, इन लोगों ने मेरे माँ बाप को मजबूर किया है कि इनकी फरमाइशें पूरी की जाए। अब मेरा बाप मेरी रुख्सती तक कर्ज पर फ्लैट लेगा और फिर सारी जिंदगी उसकी किस्तें उतारता रहेगा। क्या ये जायज है? बताइए ना, आप तो दीनदार आदमी हैं। ये कतई नजायज है। इन लोगों ने ऐसी कोई शर्त रखी है तो हद से तजावज करने वाली बात। काजी साहब, ये मेरे साथ और मेरे माँ बाप के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। बेशक और अल्लाह को ज्यादती करने वाले लोग सख्त नापसंद है, इसीलिए मैं इस रिश्ते से इनकार करती। ऐसा रिश्ता जो इन लोगों को तो खुशी दे पर मेरे माँ बाप को मजबूर करते। मेरे अल्लाह को नाराज करते। नहीं, नहीं कर सकती मैं ये निकाह।